How are you all? Fine. So students, I am your LKG teacher. And students, आज पता है हम क्या करने वाले हैं? आज students हम story learn करने वाले हैं. एक new story. Okay? So first of all, students, take out your sunshine book and open your book. Page number 79. आपको ये वाला पेज निकालना है students. और इसमें पता है कौन सी स्टोरी है? देखो यहाँ पे लिखा है The Lion and the Mouse. तो चलो स्टूडेंट्स ये स्टोरी हम लर्न करते हैं और स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको अच्छे से सुननी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The Lion and the Mouse. The lion is sleeping. A mouse comes and plays on the lion's head. The lion gets angry. So students, एक दिन एक बड़े से जंगल में लायन सो रहा था और फिर वहाँ पे एक रेट आया माउस. ओके, और वो वहाँ पे आके लायन के हेड के ऊपर खेलने लगा और फिर लायन छाप गया और वो माउस के ऊपर एंग्री होने लगा, गुस्सा होने लगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. फिर ही सेज, आई विल पनिश यू. द माउस इज स्केयर्ड. He says, I am very sorry, Mr. Lion. Please forgive me. फिर लायन ने माउस को क्या बोला कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तूने मुझे नींद से जगाया है. फिर लायन माउस तो एकदम डर गया और माउस बोला कि प्लीज मिस्टर लायन मुझे माफ कर दो प्लीज. द लायन लुक्स एट द लिटिल माउस एंड सेज, I forgive you, little animal, but promise me that you will not trouble anyone else. फिर लायन ने बोला कि चलो माउस, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, बट एक शर्त पे कि आगे से तुम किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करोगे. The mouse is very happy. He says, I'll clear off the jungle. I will never trouble anyone. I am your friend from today. Whenever you need me, I will be there. फिर माउस क्या बोलता है? माउस एकदम हैप्पी हैप्पी हो गया और फिर माउस ने बोला कि मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा और आज से मैं आपका फ्रेंड हूँ. जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तब मैं ऑलवेज आपकी हेल्प करूँगा. One day, the lion gets caught in a net. He is in danger. फिर एक दिन वो बड़े से जंगल में जो लायन था ना, वो एक नेट के अंदर आ गया. A mouse passes by and sees the lion. He runs to the lion and starts cutting the net with his sharp teeth. जब लायन वो नेट के अंदर था ना, तो वहाँ से वो जो माउस उसने पकड़ा था, वो माउस वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि उसका फ्रेंड जो लायन था, वो तो नेट के अंदर था, तो माउस ने क्या किया? माउस के दांत होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एकदम शार्प होते हैं, ओके? तो माउस ने वो अपने शार्प टीथ से नेट को काटना स्टार्ट कर दिया. Soon the lion is out of the net. The lion is free. The lion and the mouse become friends. फिर वो माउस ने जब नेट काटी ना स्टूडेंट्स, तो लायन वो नेट से छूट गया और फिर लायन और माउस एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गए. ओके, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको स्टोरी? और स्टूडेंट्स ये स्टोरी का मोरल क्या है पता है? ये स्टोरी का ये मोरल है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी बार बार लर्न करना और अच्छे से रीड करना.